हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। सो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैक। काफ़ी टाइम के बाद आज ट्रैकिंग करने जा रहे हैं हम, और काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, बिकॉज बीच में गोवा वगैरह चल गए थे। तो अभी फाइनली त्रियुंड, जो कि मैक्लोडगंज का सबसे फेमस ट्रैक है, और ऑलरेडी मैं उसके ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग बना चुका हूँ, बट अभी जो मैं बना रहा हूँ यह है फैब टाइम। और अभी स्नोफॉल इस बार यार नीचे हो ही नहीं रहा है। लास्ट टाइम मैंने बताया था गलू टेंपल में हुआ था, उसका ब्लॉग डाला था। तो अभी थोड़ा स्नो देखने हम जा रहे हैं त्रियुंड, और हम त्रियुंड जाएंगे आज। दो ट्रैक जाते हैं, गलू टेंपल से जाता है और एक जाता है वाटरफॉल से। हम जाएंगे बागसू वाटरफॉल वाले श्रीवा कैफे से होके जाता ट्रैक। वो काफ़ी अच्छा ट्रैक है आज की इस टाइम में, बिकॉज़ इसमें स्नो वगैरह भी और कम रहेगी। बीच में ट्रैक में चढ़ने को काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, इजी ट्रैक है। और बाकी जो गलू टेंपल वाले वहाँ पे फिर पुलिस और उनकी फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट है, फिर वहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, आपको एंट्री वगैरह करवानी पड़ती है, चीज़ें वगैरह हर एक फॉर्मेलिटी होती है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन है नहीं, बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप अकेले आओ, आप गाइड के साथ ही आओ। बाकी गर्मियों के टाइम आप आ सकते हो, बिकॉज तब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, बंदे चले होते हैं, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। बट अभी विंटर टाइम में स्नोफॉल वगैरह रहता है, पता नहीं होता वेदर कब चेंज हो जाए, क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है, रुकना पड़ सकता है कहीं पे। तो वैसे आप बाकी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में दे ही दूंगा कि आप कहाँ पे अगर स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, और कैसे अगर गाइड करना चाहते हैं, उसका भी मैं सारा डिटेल इस ब्लॉग के लास्ट में आपको दे दूंगा। एंड बाकी चलते हैं, फिर करते हैं ट्रैक स्टार्ट टू बागसू वाटरफॉल से। और ट्रैक हमारा अप्रोक्स आज का रहने वाला है अराउंड 7 किलोमीटर के अराउंड रहने वाला है। तो और उसको ट्रैक करने में लगता है 2 से 2.5 घंटे का टाइम, बट अगर आप स्लो वॉकर हैं, आराम से चलोगे तो 3 से 4 घंटे मान के चलो, ठीक है। तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अमेजिंग व्यू त्रियुंड के एंड ट्रैक के और माउंटेन्स के और विंटर के एंड स्नो के। तो लेट्स गो गाइस। हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है बागसू वाटरफॉल से, स्टार्ट करा है हमने, और यहाँ से अप्रोक्स 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। और बागसू से बागसू वाटरफॉल अराउंड 1.5 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूँ तो जो हमारे स्टार्टिंग के 2-3 किलोमीटर रहते हैं, हमको वहाँ पे अपना स्टैमिना बचा के धीरे धीरे चलना है, और हमेशा माउंटेन साइड चढ़ना है, इस साइड नहीं चढ़ना है। एंड ट्रैकिंग शूज़ वगैरह भी हमको अच्छे डालने हैं, ओवर क्लोथिंग भी नहीं करनी है कि बीच में हमको क्लोथ उतारने पड़े और फिर सर्द गर्म हो, बीमार होने के कोई चांस हो। तो चलो अभी मैं ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आगे जाके आपसे बात करता हूँ।
फ्रेंड्स, फाइनली हम अपना ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक लेटा तक कंप्लीट कर चुके हैं। बट क्या है कि यहाँ से आगे थोड़ा ट्रैक इजी है, यहाँ तक ट्रैक थोड़ा खड़ा है बागसू वाटरफॉल से, तो आगे थोड़ा ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट आप हाफ ट्रैक मान लो। बाकी रास्ते में आपको कैफ़े वगैरह काफ़ी मिल ही जाएंगे, मैंने आपको दिखाई दिया, यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के गैप में कैफ़े काफ़ी हैं। बाकी लेटा में भी यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड को, तो यहाँ भी कैंपिंग वगैरह होती है, तो आप यहाँ भी आके कैंपिंग वगैरह कर सकते हो अगर आप ऊपर त्रिवेणी तक नहीं जा सकते या ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया क्या करना क्या नहीं करना। और इस साइड को आप देख रहे हो तो यहाँ ऊपर को वो करखानी है, तो वहाँ अभी हम जाएंगे, फिर उससे आके अप्रोक्स 1.5-2 किलोमीटर है त्रिवेणी आगे को, तो वहाँ भी हम जाएंगे। और यहाँ पीछे का व्यू भी देख रहे हैं यार, क्या ही अमेजिंग आ रहा है। और इस साइड को देख सकते हैं यार आप, तो ये भी सामने माउंटेन, यहाँ से भी जो आपका गलू टेम्पल से ट्रैक जाता है वो वाला ट्रैक वहाँ से होते हुए जाता है, और जो आप बर्फ़ देख रहे हो, बट अभी वहाँ पे थोड़ा रिस्की है उस साइड से, क्योंकि उस साइड काफ़ी स्नो है तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाला ट्रैक अभी ईजी है, तो चलते हैं फिर आगे। और अभी माणा में आगे माणा आएगा, माणा के बाद फिर आएगा आपका करथानी, करथानी के बाद त्रिवेणी, तो मिलते हैं अभी आपसे अगली लोकेशन पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माणा कैंपिंग, और ये जो आप प्लेस देख रहे हैं ये है माणा कैंपिंग, और इसके सामने ये धौलाधार रेंज का अमेजिंग व्यू, मतलब क्या ही बताएं। और इस साइड को आपको दिखाता हूँ, तो ये है थथारना वाला माउंटेन, थथारना ट्रैक का। और अभी यहाँ पे थोड़ा क्लोडी हो रहा है मौसम भी, और यहाँ पे ये है करथानी, अभी हमको यहाँ पे पहुँचना है। और इस साइड को दिखाओ तो अभी हम यहाँ नीचे से आए लेटा, वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है लेटा और ये नीचे मैक्लोडगंज। और इस साइड को हम देखें तो ये पूरा नीचे धर्मशाला का अमेजिंग व्यू है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमें स्नो दिखने स्टार्ट हो चुकी है हमारे ट्रैक में, और अभी हम एकदम करथानी के नियर अबाउट है, अप्रोक्स 5 से 10 मिनट का रास्ता है, और अभी यहाँ पे स्नो के व्यू आने स्टार्ट हो चुके हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं करथानी, अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, देन आफ्टर आगे त्रिवेणी को जाएंगे। बाकी यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, देख सकते हो मौसम। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम ऊपर करथानी में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमारी मैगी तैयार हो रही है, और थोड़ा हम लंच घर से भी ले आए थे फुलके और आलू वगैरह, वो भी हमने रास्ते में खा लिए थे, तो अभी यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है। और बाकी मैं यहाँ की आपको डिटेल वगैरह बता दूंगा लास्ट में।
सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको यहाँ का थोड़ा बता दूँ तो अभी मैं हूँ करथानी में और जो त्रिउंड में है वहाँ पे कैंपिंग इस टाइम अलाउ नहीं है, वहाँ पे आप अपनी कैंपिंग नहीं कर सकते हो। तो करथानी में आप अपनी यहाँ पे कैंपिंग भी अगर आप लेके आते हो, बट लेके आना थोड़ा पॉसिबल इतना बिकॉज आप इतना ट्रैक चढ़ रहे हो, इतना सामान कैरी करके आओगे तो आपको खुद ही ओवरहेड होगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और कैंपिंग करना चाहते हो, नाइट स्टे करना चाहते हो, फूड वगैरह, तो अपने करण भाई है यहाँ पे करथानी में, तो आप काम करण भाई, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक अपने भाटिया साहब है जो गाइड है मैं उनका भी दे दूंगा। और अगर आप यहाँ पे आते हो डायरेक्ट विदाउट गाइड और अगर आप यहाँ पे आके स्टे करना चाहते हो फूड वगैरह, तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी, वो मेरी श्योरिटी है। यानी आपको कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। और बाकी सीज़न ऑफ सीज़न यहाँ पे प्राइस वो कम कम रहते हैं, वो थोड़ा भाई आपको बता देंगे। प्राइस का ऐसा कुछ नहीं, जैसे अभी आप देख ही रहे हो कि ऑन सीज़न है, ऑन सीज़न है अभी, जस्ट स्टार्ट है फरवरी से, 1000 रुपये से स्टार्ट है। जैसे इससे पहले जैसे बरसात का मौसम है या ज़्यादा आपका जनवरी और दिसंबर और जनवरी का, तो उस टाइम रेट थोड़े कम भी डाउन रहते हैं एक्चुअली लोग ज्यादा। और बाकी जैसे अभी अप्रैल में ही बिकॉज उस टाइम जो होता है सीजन टाइम होता है, यहाँ पे काफी क्राउड होता है, ऑलरेडी बुक होता है और वो भी वन वीक टू वीक वन मंथ पहले ही, यानी बुक रहता है यहाँ पे सारा सिस्टम। तब ग्रुप आते हैं और वो भी अप्रोक्स आपके 50-60 बंदों के अप्रोक्स ग्रुप आते हैं यहाँ पे। फिर भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार फोन कर लो यार भाई, ने आपका अरेंजमेंट करा ही देना यहाँ पे, रहने का खाने का पीने का कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और बाकी अभी भी आप स्नो का यहाँ पे अगर व्यू लेने को एंजॉय करने को आओगे तो एक बार फोन कर लो, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट हो जाएगा आपको, इजीली आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और रह लोगे, खाओगे पियोगे, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फिर लेते हैं अभी आपसे विदा और मिलते हैं आगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपको स्नो दिखा दी और अभी जो ये स्नो है मेरे हाथ में, ये काफ़ी, यानी जो बोलते हैं जिसको पक्के वाली है, ये कच्ची होती है जो एकदम पिघल जाती है, बट ये पिघलने वाली नहीं है, एकदम काफ़ी हार्ड है, ये बजरी टाइप की है, ऐसे दाने दाने हैं। तो अभी यहाँ पे स्नो रहने वाली है काफ़ी, नहीं तो अभी इस मंथ तो आपको अप्रोक्स मिल ही जाएगी थोड़ी बहुत त्रिउंड में स्नो। और बाकी आगे भी अभी कल भी वैदर जैसे ख़राब होता है, बीच में वैदर ख़राब होता है तो यहाँ पे स्नोफॉल ईजिली हो जाता है। बाकी नीचे तो इस बार हो ही नहीं रहा है मैक्लोडगंज में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे शायद मे भी किस रीजन से, बिकॉज आप देख रहे हो कश्मीर में, मनाली में, शिमला में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। एंड बाकी मैंने आपको यार बता ही दी पूरी इन्फॉर्मेशन और मैंने अभी भाई का भी बता दिया, अगर आप यहाँ पे आते हो और कैंपिंग करना चाहते हो या तो आप गाइड के साथ आना चाहते हो वो भी मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, और अगर आप विदाउट गाइड आना चाहते हो तो भी यहाँ आके आप कैंपिंग वगैरह इजीली कर सकते हो। बट अभी क्या है कि स्नो टाइम होता है, मौसम ख़राब होता है, तो उस टाइम आप रिस्क ना ही लो अकेले आने का, गाइड के साथ ही आओ, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ता वगैरह, अगर आप ज़रा सा ही भटक गए तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे, काफ़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। और बाकी जब भी आप यहाँ पे 12 महीने जब भी आते हो तो वॉर्म स्टफ़ अपने साथ लेके ही आए, बिकॉज यहाँ पे रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर काफ़ी ही डाउन जाता है यहाँ पे। एंड बाकी यार जब भी आते हो तो थोड़ा ध्यान रखो कि कचरा वगैरह ना, जैसे आप जितनी इज्जत से नीचे से आप लेके आ रहे हो, चाहे वो कुछ खाने का लेके आ रहे हो, कुछ पीने का लेके आ रहे हो, तो जितनी लेके आ रहे हो वैसे ही वापस भी लेके जाओ। बाकी तो माउंटेन्स पे आप इन चीज़ों का अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज नीचे का एटमॉस्फेयर, यहाँ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी ही ज़्यादा फ़र्क होता है, तो थोड़ा ड्रिंकिंग वगैरह यहाँ पे अवॉइड ही करो। और बाकी आप इंजॉय करने आ रहे हो तो वो आपकी लाइफ है। एंड बाकी गलू टेम्पल और ये वाला ट्रैक मैंने आपको दोनों बता ही दिए हैं। एंड बाकी गाइज मैं बता दूँ तो यार आप इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारी बता ही दी है मैंने आपको ब्लॉग में, और यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। और बाकी जो मेरे पिछले विंटर
और समर टाइप के ब्लॉग थे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो उस टाइम के भी यहाँ के व्यू और इन्फॉर्मेशन, और जो मानसून टाइम होता है उस टाइम के भी आप देख सकते हो। तो फिर लेते हैं आपसे विदा एंड आओ एंजॉय करो, बट यहाँ पे ये गंदगी ना फैलाओ जो भी, यानी माउंटेन को क्लीन रखो। जैसे ये भी घर है, यहाँ पे आप आ रहे हो, अगर आप यहाँ पे कचरा देखोगे तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप फेंक के जाओगे कोई देखेगा उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा उसका ध्यान रखो कचरे का, जितनी लेके आते वैसे वापस भी लेके जाओ या कहीं ढंग की जगह पे रखो। एंड बाकी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में जरूर करें, मैं आपको आंसर दूंगा। एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।